प्रदेश की राज व्यवस्था समझते जाना इसे। किसी भी राज्य को चलाने के लिए कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी पावर काम करती है, वो आपको पहले भी हमने समझाया था कि मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक विधायिका होती है, वैधानिक शक्ति होती है, कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। इसमें सबसे पावरफुल व्यक्ति जिसका नाम तो सामने नहीं आता लेकिन बहुत पावर रखता है, इतना पावर रखता है कि पूरी राज्य की बागडोर इसी के हाथ में होती है। जैसे किसी देश को चलाने के लिए सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल, सॉरी राष्ट्रपति। तो जैसे दिल्ली में बैठा राष्ट्रपति पूरे देश पर नियंत्रण रखता है, तो वही राष्ट्रपति अपनी तरफ से हर एक राज्य में एक एक राज्यपाल जो होता है वो भेजता है कि आप जाओ और फलाने राज्य का नेतृत्व करो और मेरी तरफ से आप प्रतिनिधित्व करो। और आपको ये भी बताया था कि एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, बताया था कि नहीं? और ये तो आपको पता ही होगा कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो किसी राज्य में राज्यपाल के पद पर है वो उस राज्य का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है, संविधान में उल्लेख है। तो याद रखिएगा, दो तीन पॉइंट आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। सर, संवैधानिक पद शब्द को हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। संवैधानिक पद शब्द का मतलब है कि भारत के संविधान में क्या इनके लिए कहीं आर्टिकल में लिखा है? अगर लिखा है तो संवैधानिक है, नहीं लिखा है तो संवैधानिक। जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, इसको भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत के संविधान में लिखा है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए वेलफेयर एसोसिएशन बनेंगे, मिनिस्ट्री बनेगी। तो अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है। आप आज से पहले जब यूनिट 10 पढ़ते थे तो उसमें बहुत सारे कमीशन आते थे, महिला आयोग आता था, पीएससी आता था, यूपीएससी आता था, उसमें सारे संवैधानिक नहीं थे, मतलब सबकी बात संविधान में नहीं लिखी थी। तो कुछ संवैधानिक थे, कुछ गैर संवैधानिक थे। तो हमें एक एक बिंदु पे चलना है। सबसे पहला बिंदु, राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रधान होता है कि इसका उल्लेख संविधान में है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में लिखा है, और जिसके भी बारे में संविधान ने लिखा है वो सब कैसे हो गए? संवैधानिक पद, मतलब कानूनी मान्यता प्राप्त पद हो गए। तो आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान होता है। अब वो कह रहा है कि राज्य की राज्य व्यवस्था को समझो। तो हमें समझना होगा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन कौन थे, कौन सा राज्यपाल था, कब आया, कब निधन हुआ, क्या प्रमुख बातें हैं वो देखो। ये नोट सबके पास है, ऑनलाइन वालों को सबको मिलेगा। एक काम करो, इस नोट्स को सबसे पहले बैक साइड से, सबसे पहले पीछे की तरफ से इसे ओपन करो, और आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल की एक लिस्ट मिलेगी, गवर्नर्स ऑफ एमपी लिस्ट है। देखो राज्यपाल की लिस्ट है, उसमें सारे राज्यपालों के नाम लिखे हुए हैं, साथ ही साथ में कौन सा राज्यपाल किस टाइम पीरियड में रहा उसका भी नाम लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है? अब इधर देखो, सबसे पहला नाम एक एक करके देखना, प्रश्न तो इनके बन जाते हैं। पहला प्रश्न, पहला नाम क्या है? तो एमपी का पहला राज्यपाल कौन था? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कौन था? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। अब उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। क्या लिखा हुआ है? केवल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर बी पट्टा भी सीतारामैया। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को? ठीक है, तो याद रखिएगा, बी का मतलब होता है डॉक्टर के बाद बी मतलब भोगराज, कहीं पर लिखा रहता भोजराज, कहीं पर लिखा रहता भोगराज। तो डॉक्टर भोजराज पट्टा भी सीतारामैया। मैं आपसे एक पॉइंट यहाँ पर लिखवाना चाहूंगा कि पट्टा भी सीतारामैया आंध्र प्रदेश के थे, क्योंकि राज्यपाल के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा कि वह उस संबंधित राज्य का नहीं होगा जिस राज्य का वह राज्यपाल हो रहा है। जैसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनने के लिए आपको मध्य प्रदेश के व्यक्ति को नहीं चुनना होगा। हालांकि सुनना आप ध्यान से, ये जो बात मैं कह रहा हूं ये संविधान में कहीं नहीं लिखी, बहुत प्यार से समझो आराम से। एमपी का राज्यपाल हमने बनाया, हमने पट्टाभी सीतारामैया को राज्यपाल बनाया, ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। जबकि ये राज्यपाल कहाँ के बने? मध्य प्रदेश के बने। मध्य प्रदेश के भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल बने, जैसे
जैसे अभी अनुसुईया हुई कि हमारी छिंदवाड़ा की आदिवासी जनजाति की महिला है वो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनी, अभी मणिपुर की राज्यपाल है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भी राज्यपाल बने। तो ये मध्य प्रदेश के हैं पर ये अलग अलग राज्यों के राज्यपाल बने, जैसे आंध्रा के राज्यपाल बने थे, ये पंजाब के राज्यपाल बने थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे, ये कभी एमपी के राज्यपाल नहीं बने। तो हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति जिस राज्य का है उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसलिए किया गया जैसे आप जिस जिले के उस जिले में आपको नौकरी नहीं देते हैं, क्योंकि आपके वहां पर व्यवहारिक पारिवारिक सामाजिक संबंध पहले से इतने होते हैं कि हो सकता है कि किसी भावनात्मक दबाव में आकर आप वो काम कर दे जो आपको नहीं करना चाहिए था। जैसे आपके ही तहसील में आपकी पोस्टिंग हो जाए और आप वहीं के एसडीएम बन जाओ, और आपका जो खुद का जमीनी विवाद पिछले 20 सालों से उलझा हुआ जिसके पीछे आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, कौन सुलझाएगा? तुम सुलझाओगे खुद तो तुम्हें रखेंगे क्या वहां पर? नहीं रखेंगे। इसलिए तो राज्यपाल होगा पर उसी राज्य का नहीं होगा, यह संविधान में नहीं लिखा है। तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चलना है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, आर्टिकल 153 में इसके बारे में लिखा है, पर आर्टिकल किसी भी आर्टिकल में यह नहीं लिखा है कि उसी राज्य में उसी राज्य का राज्यपाल नहीं होगा, इस तरह से। ठीक है ना? हेलो, दूसरा दे दो कोई। चलो तो बताओ, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, कौन से आर्टिकल में लिखा है? 153 में। क्या ये उसी राज्य का कोई व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जिस राज्य का वो है? अब दिमाग लगाओ, आर्टिकल 15 सुनते जाना, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं। अनुच्छेद 15 संविधान हमारा जो बना ना, उसमें एक एक धारा जैसा आर्टिकल लिखे। आर्टिकल 15 कहता है समता या समानता का अधिकार, हम सबको समान अधिकार देंगे। और उसमें क्या लिखा हुआ है? किसी व्यक्ति के जन्म स्थान, उसके लिंग मतलब वो महिला है पुरुष है या थर्ड जेंडर है, किसी के जन्म स्थान मतलब कि वो पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ है, नागालैंड में पैदा हुआ, कश्मीर में हुआ, कन्याकुमारी में हुआ, या प्रदेश के मध्य प्रदेश में हुआ, किसी व्यक्ति के जन्म स्थान, उसके लिंग, उसके धर्म, उसकी जाति, उसके रंग रूप के आधार पर हम उससे भेदभाव नहीं करेंगे। इसी के कारण यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में ही जन्मा है, केवल उसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन वो वहां का मूल निवासी नहीं है, तो वो मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समझो, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ और वो कभी भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं बने, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे और मध्य प्रदेश में ही रहते थे। यहां तक समझ में आया? लेकिन एक ऐसा राज्यपाल है जिसका जन्म मध्य प्रदेश के सतना शहर में हुआ, मध्य प्रदेश के सतना शहर में हुआ। अब मध्य प्रदेश के सतना शहर में जन्म लेने मात्र से हम उसके साथ भेदभाव तो नहीं कर सकते, पर वो सतना का मूल निवासी नहीं था, सतना का मूल निवासी नहीं था। ठीक है ना? कौन था वो? एन वांचू, निरंजन नाथ वांचू। खुद अपना दिमाग लगाओ, मध्य प्रदेश में आज तक आपका कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा खिलाड़ी, कोई ऐसा अधिकारी आया जिसकी सरनेम वांचू हो? सिलेक्टेड रहते हैं ना, हमें पता चलता है। जैसे किसी का सरनेम सुनकर हम नहीं बताते थे कि साउथ इंडिया का निकलेगा, है ना? तो उसी तरह से एनएन वांचू, तो एनएन वांचू का जन्म हमारे यहां हुआ, उसको लगा भाई ये अस्पताल अच्छा, उसको लगा या नानी का घर यहां पैदा हो जाएंगे, तो इस जन्म स्थान के आधार पर। तो एनएन वांचू हमेशा याद रखना, आप देखेंगे इस लिस्ट में आपको दिखेगा सातवें नंबर पर, ये एनएन वांचू हमारे मध्य प्रदेश में 10 महीने तक राज्यपाल रहे, इनका जन्म सतना में हुआ, लेकिन इनके जन्म के नाम के आधार पर हम इनसे भेदभाव नहीं कर सकते। इसलिए बोल दिया कि जब मैं डिटेल में बोलूंगा तब इनका जन्म स्थान बोलूंगा तो आप कहोगे मालिक एक मिनट, आप बोले थे जिस राज्य का उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनेगा, ये सतना का एमपी का राज्यपाल कैसे बन गया?
फिर मैं आर्टिकल 15 याद दिलाऊंगा कि भैया आर्टिकल 15 कहता है कि हम किसी के भी जन्म स्थान धर्म जाति उसके रंग रूप लिंग भेदभाव उसके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, वो जन्मा तो कोई दिक्कत है क्या? अच्छी बात है, लेकिन वो यहाँ रहता था क्या? नहीं रहता। तो आप एक बार लिस्ट देख लो कि कौन कौन से राज्यपाल रहे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया रहे, हरि विनायक पाटसकर रहे, केसी रेड्डी साहब रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, एक नाम आ गया है जिसमें लिखा हुआ है कार्यकारी न्याय राज्यपाल, जिसे आप दूसरे शब्दों में समझो। इधर देखो, जितने भी जगह पर आपको कार्यकारी शब्द लिखा हुआ है किसी भी राज्यपाल के आगे, उसके आदि आगे नाम नंबर लिखा हुआ, जैसे 4 नंबर लिखा है ना, तो उसको सर्कल बना लो। इतना आसान हो जाएगा याद करना कि घर बैठ के आप वो काम कर जाओगे जो मैं क्लास में नहीं कर पाया, याद करके जाओ। सर्कल बना लिया, आगे चलो 10वें नंबर पर पहुंचो, दिख रहा है कोई? जीपी सिंह 10वें नंबर पर भी आप सर्कल बना लो, 10वें नंबर पर भी सर्कल बना लो। आगे चलो, कौन से नंबर पर आएगा? 12वें नंबर पर, 12वें नंबर पर भी सर्कल बना लो, हो गया। आगे चलो, कहां पर आएगा? 15वें नंबर पर, एनडी ओझा 15वें नंबर पर भी सर्कल बना लो। बनाया, पेज को टर्न करो, इधर 22वें नंबर पर आओ, 22वें नंबर पर भी लिखा है कार्यकारी के एम सेठ, जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, कृष्ण मोहन सेठ पूरा नाम है, मैं लिखवाऊंगा, उस पर अंडरलाइन कर लो। कर लिया भाई, ये क्या है? देखो, ये वो लोग हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं। कार्यवाहक, कार्यकारी, एक्टिंग गवर्नर, केयरटेकर गवर्नर, हिंदी में दो नाम, इंग्लिश में दो नाम बताता हूं। इसी को कहते हैं कार्यकारी राज्यपाल, इसी को कहते हैं कार्यवाहक राज्यपाल, इसी को कहते हैं एक्टिंग गवर्नर, इसी को कहते हैं केयरटेकर गवर्नर। होता क्या है, जब किसी पद पर कोई व्यक्ति है और सडनली वो पद खाली हो जाए, उस पद की रिक्ति हो जाए, तो कुछ पद ऐसे हैं कि जिनके बिना हम खाली पद रख ही नहीं सकते हैं। तो जैसे ही वो पद खाली होगा, चाहे आधी रात को कोई व्यक्ति मर गया, राज्यपाल था, अगली सुबह राज्यपाल चाहिए, कैसे आएगा? राष्ट्रपति कैसे दिमाग लगाएगा कि कहां का राज्यपाल बुलाऊं? उसको सोचने समझने के लिए यदि कभी 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर लगते हैं, तो इस बीच में हम एक व्यक्ति को डेमो डमी के तौर पर पहुंचा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 11 से 12 लेक्चर रहता है और 12 से 1 भी आपको पढ़ना है। कल किसी कारणवश मैंने 10 से 11 पढ़ाया और 11 से 12 मुझे जाना पड़ा, लेकिन अब 1 घंटे का गैप आ रहा है और 12 से 1 आपको पढ़ना है, तो इस बीच में मेरी जगह पर किसी एक व्यक्ति को पहुंचा देंगे कि सर आज आप पढ़ा दीजिए। तो क्या वो रोज पढ़ाएगा? अगले दिन मैं आ गया 11 बजे तो कौन आएगा पढ़ाने? मैं ही आऊंगा ना। तो मेरे जाने के बाद जो टीचर आए थे वो मेरे आने के पहले हटा दिए गए, तो मेरे जाने और वापस आने के बीच में जिस व्यक्ति ने काम किया है वो कार्यकारी है, वो कार्यवाहक है। वाहक मतलब लेकर चलने वाला, कार्य मतलब काम को, केयर मतलब उसकी सुरक्षा करना, ठीक है ना, टेकर मतलब काम को लेकर चलना। इसी को कहते हैं एक्टिंग गवर्नर, जिसने इस 1 घंटे के बीच में अपना रोल निभाया, जिसे कहते हैं रोल करने वाला, हाँ या ना। तो ऐसा ही राज्यपाल में होता है, ऐसा ही मुख्यमंत्री में होता है, ऐसे ही अध्यक्ष में होता है, ऐसे राष्ट्रपति में होता है, ऐसे सीएम में होता है, ऐसे ही पीएम में होता है, ऐसे सब जगह होता है कि सडनली कोई व्यक्ति चला जाए और उसकी स्थान को पूर्ति करने में यदि समय लगे तो बीच में जो व्यक्ति काम करेगा वो क्या कहलाता है? केयरटेकर। तो ये सारे केयरटेकर है, ये मुख्य राज्यपालों की सूची में नहीं आते, ये मुख्य राज्यपालों की सूची में नहीं आते हैं। इनका नाम जब भी लिखा जाएगा, इनके नाम के आगे कार्यवाहक, कार्यकारी, एक्टिंग गवर्नर या केयरटेकर गवर्नर लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो, मध्य प्रदेश के मुख्य राज्यपाल कौन कौन से हैं, ये कार्यकारी को छोड़कर सब। फिर से देखिएगा, पट्टाभी सीतारामैया, हरि विनायक पाटसकर, केसी रेड्डी, पीवी दीक्षित, ये कैसे हैं? कार्यवाहक। केसी रेड्डी फिर आ गए, देखो आप, देखो ध्यान से देखो, केसी रेड्डी 3, पीवी दीक्षित 4, केसी रेड्डी 5। बताओ मुझे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दोबारा आया है? केसी रेड्डी और इसके बीच में कौन आया? पीवी दीक्षित आया कि नहीं आया? तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको यही तो समझाया कि केसी रेड्डी किन्हीं कारणों से गए होंगे,
उस बीच में पीवी दीक्षित को बिठाया, केसी रेड्डी फिर आ गए। और देखो आप टाइम पीरियड देखो, केवल 6 दिन। केसी रेड्डी देखो 2/2/1966 लास्ट देखो केसी रेड्डी का लिखा हुआ है कार्यकाल 11 फरवरी 1965 से 2 फरवरी 1966 केसी रेड्डी रहे। अब 3 फरवरी 1966 को अगले दिन पीवी दीक्षित बन गए और 9 फरवरी 1966 को पीवी दीक्षित वापस उठ गए। कितना हुआ, कितना दिन हुआ, 6 दिन। कितना हुआ, 6 दिन। तो 6 दिन के लिए कार्यवाहक रहे। फिर सत्यनारायण सिन्हा, फिर निरंजन नाथ वांचू, फिर चेप्पीदुरा मुथाना पुनाचा जिसका नाम है सीएम पुनाचा, फिर भगवत दयाल शर्मा। अब देखो क्या खेल चल रहा है, भगवत दयाल शर्मा, फिर जीपी सिंह कार्यवाहक, भगवत दयाल शर्मा, फिर जीपी सिंह कार्यवाहक, फिर भगवत दयाल शर्मा। तो जब जब बीडी शर्मा ने गेप की तब तब कौन आए, जीपी सिंह। फिर आए, अच्छा ये भगवत दयाल शर्मा याद आया, एमपीपीएससी 2020 का प्रश्न है। मैं आपको करीबन 10 प्रश्न दूंगा यहां से, इस एक जरा से 4 पेज से जो आपके पीएससी में आ चुके, ताकि आपको इतना ज्ञान रहे कि हाँ इनसे ही चीजें आती है। बीडी शर्मा का प्रश्न आया था, 4 ऑप्शन दिए थे, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा राज्यपाल हरियाणा का पहला सीएम रहा है, ये प्रश्न था पीएससी 2020 की प्री में। और उसका उत्तर था बीडी शर्मा, बीडी शर्मा हरियाणा के पहले राज्यपाल है, सॉरी पहले मुख्यमंत्री है और हमारे राज्यपाल भी रहे। आगे सब आएगा बेटा, अभी तो केवल मैं नाम बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं। के एम चांडी, न्यायाधीश एन डी ओझा, फिर से क्या आ गए, के एम चांडी, सरला ग्रेवाल, ये है एमपी की पहली महिला पहली महिला राज्यपाल, सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। कुंवर महमूद अली, ये है मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम राज्यपाल। सरला ग्रेवाल नाम से लग रहा है पहली महिला है, तो पहली महिला राज्यपाल। कुंवर महमूद अली नाम से लग रहा है मुस्लिम है, तो पहले मुस्लिम राज्यपाल। बाकी बाद में जो आए हैं वो मोहम्मद शफी कुरैशी, ये भी मुस्लिम राज्यपाल ही है। कुंवर महमूद अली ये मेरठ उत्तर प्रदेश के थे, शफी मोहम्मद कुरैशी ये जम्मू कश्मीर के थे। अगला राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर, क्या नाम है राज्यपाल का, डॉक्टर भाई महावीर। थोड़ा ध्यान से देखो डॉक्टर भाई महावीर का टाइम पीरियड 1998 से लेकर 2003 तक, समझ में आ रहा, इसके बीच में सन 2000 आएगा कि नहीं। अरे देखो ना 1998 से रहा तो 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2000 आया कि नहीं। और इसी 2000 में हमारा एमपी का बंटवारा हुआ था, फर्स्ट ऑफ नंबर 2000। तो प्रश्न बन गया कि मध्य प्रदेश के बंटवारे विभाजन के समय पर एमपी का राज्यपाल कौन था, डॉक्टर भाई महावीर, ठीक है ना। अगला देखेंगे राम प्रकाश गुप्त, और गुप्त शब्द का मतलब हम क्या समझते हैं, जिसका पता ना चले। तो याद रखना पहला राज्यपाल है एमपी का, जो राज्यपाल था और सडनली उसकी डेथ हो गई, तो प्रदेश में राज्यपाल के पद पर रहते हुए मरने वाला पहला राज्यपाल यही है। ट्रिक बताई मैंने केवल, गुप्त का मतलब क्या होता है, जैसे एकदम से गायब हो जाना, तो वो पद पे था एकदम से मर गया, तो याद रहेगा हमेशा कि वह राज्यपाल पहला जो अपने पद पे रहते हुए मर गया। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति आज राज्यपाल है और 1 फरवरी को उसने अपना राज्यपाल का कार्यकाल पूरा कर लिया और 5 फरवरी को मर गया, तो क्या वो पद पे रहते हुए मरा, नहीं, वो तो 4 दिन पहले ही छोड़ चुका। पर कोई राज्यपाल 1 जनवरी को बना और 2025 तक रहेगा 2 साल, लेकिन उसकी 6 जून 2024 में डेथ हो गई, तो वो पद पे था ऐसा, तो पद पे रहते हुए डेथ जिस पहले राज्यपाल की, उसका नाम क्या है, जो एकदम से गायब हो जाए उसको क्या कहते हैं, गुप्त। तो पद पर रहते मरने वाला पहला राज्यपाल कौन, गुप्त, ठीक है। मध्य प्रदेश का जब बंटवारा हुआ, इधर देखो मध्य प्रदेश का जब बंटवारा हुआ तो ये दोनों अलग अलग हो गए, पर जब साथ में थे तो दोनों भाई भाई थे, दोनों भाई भाई थे ना, और भाइयों के बीच में बंटवारा होता है, तो जब मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ तब राज्यपाल का नाम भी भाई था, देखो डॉक्टर भाई महावीर, जो वीर था वो इधर आ गया, जो छोटा था वो उधर चला गया, तो बंटवारा किसके बीच में होता है भाई, तो क्लियर हो गया। बताओ मध्य प्रदेश के बंटवारे के समय राज्यपाल कौन था, डॉक्टर भाई महावीर, अरे बोलो डॉक्टर भाई महावीर, ठीक है। मध्य प्रदेश के पद पर रहते हुए मरने वाला पहला राज्यपाल राम प्रकाश गुप्त। अब सुनो, पुरुष 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 पुरुष, सारे मेल राज्यपाल बनते आए, महिला का नंबर ही नहीं लगा,
पर जो पहली महिला मिली वो बहुत सरल स्वभाव की थी। कैसे स्वभाव की थी? सरल, क्योंकि तेज तर्राट महिला से कोई बात नहीं करता, वो कब क्या बोल जा क्या भरोसा, ऐसा कर ले क्या भरोसा होता है कि नहीं, अब हाथ थोड़ी करेगी ही, अरे तो बताओ। इतने सारे पुरुषों के बीच में महिला का नंबर ही नहीं लगा, पर जिस महिला का नंबर लगा उसके स्वभाव की वजह से। उसका स्वभाव कैसा था? सरल, तो नाम क्या बन गया? सरला अग्रवाल। अरे कौन, क्या नाम था? सरला अग्रवाल। रटने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि विकल्प में सुचेता कपलानी भी आएगा, विकल्प में सरोजनी नायडू भी आएगा, विकल्प में सरला अग्रवाल भी आएगा। समझ में आया? तो जब नाम सरला अग्रवाल, सा कृपलानी, सा सरोजनी नायडू, क्या है यार ऐसा, तो सा से वही बनेगी जिसका स्वभाव कैसा होगा? सरल। तो प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल, प्रदेश का पहला ऐसा राज्यपाल जो पद पर रहते मर गया राम प्रकाश गुप्त, मध्य प्रदेश के बंटवारे के समय राज्यपाल, बंटवारा किसके बीच में होता है? भाई, तो डॉक्टर भाई महावीर। और पहला मुस्लिम राज्यपाल कौन होगा? कुंवर महमूद अली। कौन होगा? कुंवर महमूद अली। कौन सा होगा? कुंवर महमूद अली। याद रखिएगा, महमूद शब्द से मोहब्बत, ऐसा शब्द याद रखना भाई, तुम यदि हमसे मोहब्बत दिखाओगे, हमसे भाईचारा दिखाओगे तो हम तुमको राज्यपाल बना देंगे, चाहे तुम मुसलमान हो। तो कुंवर महमूद अली। अच्छा, एक और हिंट देता हूं, महमूद अली पहला मुस्लिम राज्यपाल था। मां से मुस्लिम, मां से महमूद, मां से मुस्लिम, मां से महमूद। तो बताओ, पहली महिला राज्यपाल, पहला मुस्लिम राज्यपाल कुंवर महमूद अली, मोहम्मद नहीं, महमूद अली, ठीक है ना। पहला राज्यपाल जो पद पर रहते मर गया राम प्रकाश गुप्त, प्रदेश के बंटवारे के समय राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर, डॉक्टर भाई महावीर, ठीक है ना। अच्छा, पहला कार्यवाहक राज्यपाल, अब ध्यान सुनिएगा, पहला कार्यवाहक राज्यपाल या कार्यकारी राज्यपाल या एक्टिंग गवर्नर या केयरटेकर गवर्नर, हमेशा याद रखिएगा, केयरटेकर गवर्नर है। कोई भी केयरटेकर बुलाने की जरूरत कब पड़ती है? जब काम बिगड़ जाते हैं, कोई काम बिगड़ गया, जैसे कोई चला गया कुछ भी, तो जब भी कोई काम बिगड़ जाता है तो हम काम सुधारने के लिए हम किसको बुलाते हैं? पंडित को, हमेशा पंडित को बुलाते हैं। पंडित जी देखो क्या हो गया, पंडित जी देखो घर में बड़ी समस्या चल रही है, पंडित जी देखो लगन नहीं मिल पा रहे हैं, कैसे भी करके गुड़िया की शादी करनी है। तो बीच में कौन आता है? पंडित। तो सबसे पहले जो आया था कार्यवाहक वो कौन था? पंडित। और पंडित में कौन? दीक्षित। बस इतना याद रखना, वो विकल्प अपने आप देगा, ठीक है ना। पीवी दीक्षित, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित पूरा नाम है, वो भी पढ़ेंगे। आगे आ जाओ, के एम सेठ, ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, सॉरी राज्यपाल थे। बलराम जाखड़, ये शानदार राज्यपाल था भाई साहब, बलराम जाखड़। रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, ओपी कोहली। आपको बता दूं मैं, ओपी कोहली का लास्ट ईयर में डेथ हो गया है, ओपी कोहली का लास्ट ईयर में डेथ हो गया है। दिल्ली के रहने वाले थे, इनका पूरा नाम है ओम प्रकाश कोहली। ये मध्य प्रदेश के पहले अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल है, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल चार्ज। आप लिखो ब्रैकेट में इनके नाम के आगे ओपी कोहली के, पहले अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, पहले अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, पहले अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, इसको कहा जाता है पहले अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल का मतलब है पहले एक्सटर्नल चार्ज, ईसी, फर्स्ट एक्सटर्नल चार्ज वाले जो हमारे राज्यपाल है। एक्सटर्नल चार्ज मतलब होता है अतिरिक्त प्रभार। सुनो ध्यान से, अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या? वही सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 की, एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पीरियड में एक से या दो से ज्यादा अधिक राज्यों का राज्यपाल रहेगा। कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार में अंतर है, केयरटेकर में और ईसी में, एक्सटर्नल चार्ज में अंतर है। केयरटेकर जो होता है जिसे सीटी कहते हैं आप, और एक्सटर्नल चार्ज मतलब की ईसी कहते हैं आप। देखो, केयरटेकर वो होता है जो किसी एक ही राज्य का होता है, पर वो तब होता है जब मुख्य राज्यपाल गायब होता है। लेकिन अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल वो होता है जो पहले से ही किसी राज्य में राज्यपाल का पद संभाल रहा है। जैसे एक राज्यपाल ये थे ओपी कोहली, ये गुजरात के राज्यपाल थे, गुजरात के राज्यपाल थे। अब आप यहां देखेंगे, राम नरेश यादव ने जैसे ही राज्यपाल पद से हटे, राम नरेश यादव, तो हमारे पास राज्यपाल कहां से लाए? तो राष्ट्रपति ने क्या कहा,
ये जो तुम्हारे पड़ोस में बैठा है ना राज्य, जाओ तुम इसको भी संभालो। उसने कहा मैं नहीं संभालूंगा। तो उसने कहा बेटा तुम भूल गए क्या, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, तुम्हें दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बना सकता हूं मैं। ज्यादा चिल्ला चोट की ना तो राज्यपाल के साथ साथ राजस्थान भी दे दूंगा एमपी के साथ साथ। मतलब समझ में आया, एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसको कहते हैं अतिरिक्त प्रभार, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया ना, ना कि कार्यवाहक, एक्स्ट्रा चार्ज। तो एमपी में कार्यवाहक पहला कौन था, तो पंडित जी। लेकिन दिमाग लगाना, क्रिकेट कौन कौन देखता है, नहीं भी देखता है तो थोड़ी बहुत जानकारी है कि दुनिया में नाम कमाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली। जब टीम बिल्कुल एकदम मरने की स्थिति में जाए, जाओ कोहली जिता के लाओ, मिलता है कि नहीं एक्स्ट्रा चार्ज। सब खिलाड़ी आउट हो गए, अब अकेला कौन जिता के लाएगा, कोहली। तो कोहली को क्या मिला है, एक्स्ट्रा चार्ज, कि उससे ऊपर के जो दो खिलाड़ी थे उन्होंने भी रन नहीं बनाए, उससे नीचे के दो खिलाड़ी थे उन्होंने भी रन नहीं बनाए। अब ऊपर के दो नीचे के दो, चार खिलाड़ियों का चार्ज किसके हाथ में आ गया, कोहली के हाथ में। फिर कोहली खेलता है, तो पहला एक्स्ट्रा चार्ज वाला खिलाड़ी कौन था, जिस पे एक्स्ट्रा भार दे दिया आपने, कोहली। खेल खत्म, पैसा जम। तो पहला कार्यवाहक पीवी दीक्षित, सोच समझ के, पहला कार्यवाहक और पहला अतिरिक्त प्रभार ओपी कोहली। अच्छा ये भी दिमाग में आएगा सर कि ये अगर हमें संभालने आया था तो ये किस राज्य का राज्यपाल था, गुजरात का। गुजरात प्लस एमपी को संभाला, ठीक है। अगला देखिएगा, आनंदीबेन पटेल, ये दूसरी महिला, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल। पहली कौन है, सरला अग्रवाल। पहली कौन है, सरला अग्रवाल। दूसरी कौन होगी, जो बहुत सरल होगा वो पहले बनेगा, जो आनंद के साथ रहेगा वो दूसरा बनेगा। लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल फिर से आई, और फिर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये दो नाम नहीं एक ही, तुम समझो दो भाई है, पिता पुत्र दोनों एक साथ है क्या, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। बताओ तो कॉपी में देखना ही नहीं है, कॉपी में नहीं देखना, यही तो हमारा सबसे बड़ा अकड़पन है। कि होता क्या है कि हम कॉपी में देख के खुद को संतुष्ट कर ले, नहीं आए मत आने दो, जब पूछू तो बता दो नहीं आया कर दो, पर बोलो कॉपी में नहीं देखना, ठीक है। इनके क्या हाल है, इधर घुमाओ हम भी तो देख लें इनको। चलो ऑनलाइन वाले बोलेंगे हमारे साथ में ये क्या कर रहे हो। क्या किसने कमेंट नहीं किया ना, बाकी पीएससी वाले ऑनलाइन, भाई आप मुझे एक बार कमेंट जरूर कर देना, ऑनलाइन वाले जितने विद्यार्थी है, एप्लीकेशन वाले भी है ना, वेरी गुड। यूट्यूब वाले समझते, चलो यूट्यूब पर भी है एप्लीकेशन पर भी है। यूट्यूब वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, ये बैच आपका जो चल रहा है ये 8 से 12 प्री है, 3 और 12 से 3 मेंस है, ये क्लास से लाइव है, क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे हैं, यहीं से आपको भी लाइव पढ़ाया जा रहा है, उनको भी लाइव पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नोट्स इनको हार्ड कॉपी में वितरित किए गए हैं, यही नोट्स इनको हार्ड कॉपी में है, यही नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे एप्लीकेशन पर भी, ठीक है ना। हाँ आनंदीबेन पटेल यूपी की थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोलो भैया जवाब दो, कमेंट भी करते जाना ऑनलाइन वाले, बताओ जल्दी से हमें कब लिखाओगे सर जी, घर आ रहा हूँ एड्रेस लिखो। मैं क्या लिखाओगे, तो ये बोल रहा हूँ यही समझो। ऑनलाइन कोर्स लेना है बबीता बघेल, इनको बताओ। हाँ वहां कमेंट कर दो भाई, आप यूट्यूब पे कमेंट कर दो कि इस नंबर पे कॉल करें। चलो बताओ पहला राज्यपाल, जोर से बोलो, पहला राज्यपाल भैया क्या करोगे तुम, इतनी आवाज एनर्जी बचा, जोर से बोलो, पहला राज्यपाल। लड़के सारे चुप हो जाए, केवल लड़कियां बोलेंगी, केवल लड़कियां बोलेंगी। पहला कार्यवाहक राज्यपाल, पहला कार्यवाहक, जोर से बोलो, मारूंगा नहीं तो, पहला पहला कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित। लड़कियां सारी चुप हो जाओ, लड़के बोलेंगे भाई। पहला अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल ओपी कोहली, कौन है, अब सब साथ में बोलो। पहला राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया, किस राज्य से था, जोर से बोलो बेटा, कौन से राज्य था। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, तेलुगु। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, आप सोचोगे प्रश्न कहां से आया, क्योंकि आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था, भाषा थी तेलुगु, वर्ष था 1953, तारीख थी 1 अक्टूबर, ठीक है। बताओ प्रदेश का
पहला कार्यवाहक राज्यपाल कौन? कार्यवाहक पीवी दीक्षित। कौन था? पीवी दीक्षित। ठीक है, प्रदेश का पहला अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल ओपी कोहली, एक्सटर्नल चार्ज मिला ना उसको। प्रदेश की पहली महिला कौन है? ठीक है, प्रदेश का पहला मुस्लिम राज्यपाल, मां से मुस्लिम मां से महमूद अली। कौन थे? कुमार महमूद अली। कहां के थे? तो वो भी मां से मुस्लिम मां से महमूद अली, मां से मेरठ। मेरठ कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रदेश के पहले राज्यपाल जो अपने पद पर रहते हुए मर गए कौन थे? राम प्रकाश गुप्त। कौन थे? राम प्रकाश गुप्त। प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये जिसके नाम के आगे पटेल लिखा हो वो कहां के होंगे? गुजरात। कहां के होंगे? गुजरात। मेरा एक सीधा सा सवाल है, मैंने आपको बताया नहीं लेकिन मैं आपसे तुक्के मारने को कह रहा हूं, ये जितने भी राज्यपाल है इनमें सबसे ज्यादा राज्यपाल कहां की पैदाइश है? मतलब ये किसी ना किसी राज्य से होंगे, जैसे एक आंध्रा का है, एक केरल का भी है, कर्नाटक का भी है, ये दो गुजरात के तो अभी आपने पढ़ लिए, ओपी कोहली दिल्ली का है, बिहार के भी है ठाकुर, यूपी से भी है। तो सबसे ज्यादा राज्यपाल हमारे एमपी में कौन से राज्य? आपको लग नहीं रहा है कि इस प्रश्न में दम है, पर मेरा मन कह रहा है कि इसमें कितना दम है। चार राज्य दे देगा ए बी सी और डी, और क्या कहेगा? बताइए कि किस राज्य का कोई भी व्यक्ति कभी एमपी का राज्यपाल नहीं रहा है? ये प्रश्न किसी से बन जाए तो फिर कहना। चार राज्य दे देगा, चलो कल को कह दिया कि भैया एक राज्य है झारखंड, एक राज्य है बिहार, एक राज्य है उत्तर प्रदेश और एक राज्य है हरियाणा, इनमें से किस राज्य का कोई व्यक्ति कभी एमपी का राज्यपाल नहीं रहा? झारखंड का नहीं रहा। अभी तो आपने बोल दिया है लेकिन हमें याद भी तो करना पड़ेगा। पूछेगा सबसे ज्यादा राज्यपाल किस राज्य के रहे हैं? अब मैं यहां से हटाता हूं, यहां पर लिखता हूं केरल, यहां पर कौन सा राज्य जाएगा? केरल। यहां पर लिखता हूं कर्नाटक और यहां पर लिखता हूं आंध्र प्रदेश। बताओ कहां के हैं? तुम क्यों इस हिसाब से तुक्का नहीं मार रहे हो? सब बदल दिए, ये नहीं बदला। सही बात तो यही है कि यूपी के हैं। इसी प्रश्न इंडियन जीके में पूछा जा चुका है कि किस राज्य के व्यक्तित्व भारत के सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति बने हैं, मतलब भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रपति किस राज्य से आए? जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो किसी न किसी राज्य का निवासी होगा। तो किस राज्य के व्यक्ति भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रपति बने? बिहार। कहां के? अब हमारे एमपी में तो राष्ट्रपति हो नहीं सकता, तो क्या होगा? राज्यपाल। तो कहां के ज्यादा बने? यूपी के। कहां के नहीं बने? तो बहुत सारे राज्य हैं, कोई सिक्किम का नहीं बना, नागालैंड का नहीं बना, मिजोरम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा मेघालय असम झारखंड का नहीं बना है, पश्चिम बंगाल का कोई ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ का राज्यपाल नहीं बना, इस तरह से आता है। आ गए समझ में? ठीक है, अब लिस्ट देखो और नंबर वन नाम उठाओ। नाम है पट्टाभी सीतारामैया। क्या नाम है राजा भैया? पट्टाभी सीतारामैया, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया। बराबर पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन वाले जरा सी भी चूक मत करना, तुम थोड़ा सा छोड़ोगे तुम पीछे हो जाओगे। हाँ तो ऐप पर इनको मिल जाएगी ना फ्री में, यूट्यूब वाले को। हाँ पीडीएफ तो फिर आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, सत्याधीश शर्मा क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर। ठीक है चलिए भाई देखो, सबसे पहले राज्यपाल है डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया। डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया कौन से राज्य के थे? आंध्र प्रदेश। अगर आपके नोट्स में नहीं लिखा है तो आप जरूर लिखें ये किस राज्य के थे, तो लिख दीजिएगा आंध्र प्रदेश के। लिखा है नहीं लिखा है लिखो, किस राज्य से थे? आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है आगे देखिएगा, जो काम की बात है वो बताता हूं मैं। देखिए 1952 में पुराने मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए थे, जिसकी तारीख आप देखो पॉइंट नंबर पांचवे छठे पर आइए, डायरेक्ट आइए पांचवे छठे पर आइए, डायरेक्ट पांचवे छठे पॉइंट पर आइए। मिला मिला भाई? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश जो था पुराना मध्य प्रदेश उसके भी राज्यपाल रहे हैं, लिखा है ना आप लोगों को, पुराने मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। और तारीख कब थी? 1956 से 1957 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। मतलब 52 में हमारा मध्य प्रदेश नहीं बना था,
52 में हमारे पास पार्ट ए बी सी भोपाल रियासत ये सब अलग अलग थी उस समय पर। वो कह रहा है कि उस समय पर मध्य प्रदेश क्षेत्र के राज्यपाल रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, सर्वाधिक कम कार्यकाल वाले राज्यपाल है, इस पॉइंट पर अंडरलाइन कर लो। मध्य प्रदेश के यदि सबसे कम कार्यकाल के लिए राज्यपाल कोई रहा है तो वो कौन रहा है? पट्टाभि सीतारमैया। अब ये कब से कब तक रहे हैं तो आपको जबरदस्ती में अपनी कॉपी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, उसका टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश बनने से लेकर कब से कब तक, 1 नवंबर 1956 से लेकर 1956 से लेकर 13 जून 1957 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के अभी तक के राज्यपालों में न्यूनतम कार्यकाल है। क्या है? न्यूनतम कार्यकाल है। इससे कम टाइम पीरियड के लिए अभी तक कोई राज्यपाल नहीं रहा, न्यूनतम का। हाँ, रहे हैं, 6 दिन के भी रहे हैं, पर वो कैसे थे? कार्यवाहक कौन थे? वेरी गुड, शाबाश, तुम बहुत ब्रिलियंट लोग हो यार। तुम जैसे लोग अगर मिल जाए ना तो सारी पोस्ट अपन ही ले आए। हाँ, ये ऑनलाइन वालों को भी थोड़ी मिल पाए अगर तुम इतने अच्छे जवाब दोगे तो। पर देना पड़ेगा लगातार, महीने दो महीने लगातार ऐसे जवाब देना पड़ेगा, एक भी सवाल चुके कि गए। मन में सोच रहा हूँ अरे पुरुष। चलो, डॉक्टर बी पट्टाभि सीतारमैया, इसके बारे में एक और बात याद रखो, 1939 में एक अधिवेशन हुआ था। याद करो 1939 में एक अधिवेशन हुआ था। कोई अधिवेशन शब्द नहीं समझ पा रहा तो मैं सीधा बोलूं, मीटिंग हुई थी। कांग्रेस पार्टी जो 1885 में बनी, वो हमेशा हर साल अपना एक राष्ट्रीय अधिवेशन रखती थी। वो क्या करती थी कि जैसे 1885 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन रखा, स्थापना की दिसंबर के लास्ट में, तो अगले साल मतलब कौन सा वर्ष आएगा, 1886, तो 85 में जिस दिन मीटिंग चली उस दिन एक अध्यक्ष चुना गया, तो उसने उस मीटिंग की अध्यक्षता की। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके बीच में आके बैठ जाऊं और हम सब कांग्रेस के ही व्यक्ति हैं और कहे कि हमारी कांग्रेस की आज की मीटिंग शुरू की जाती है, पहले अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो अध्यक्ष किसको बना दिया, मुझे बुला दिया। अब ये मीटिंग तो आज खत्म हो गई, पर अब अगले एक साल तक 85 से लेकर पूरे 86 तक कोई भी काम हो रहा है, कहीं पर भी आंदोलन हो रहे हैं, चलो कांग्रेस चलेगी, कहीं पर भी छोटे मोटे आयोजन हो रहे हैं, चलो कांग्रेस चलेगी, चलो वो पत्र देना है अंग्रेजों को तो कांग्रेस चलेगी, तो उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? वही आदमी जो उस दिन था। कौन? मैं। अगर दिसंबर 1885 को मैंने अध्यक्षता की है तो जून 1886 को भी अगर काम पड़ गया 6 महीने बाद, तो अध्यक्ष कौन? मैं। सर, आप ही अध्यक्ष रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। बदलेंगे ना अगली मीटिंग में, अगली मीटिंग में। समझ में आ गया? ऐसा तो 1938 में, 1938 में एक अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन बनाए गए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो अब ये अध्यक्ष पूरे साल भर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो ये कब तक रहेंगे? मीटिंग अगली कौन सी? 1939। और ये 1939 का जो अधिवेशन हो रहा था, मीटिंग, ये हुआ था त्रिपुरी में, त्रिपुरी बोले तो आज का जबलपुर में। अब हो गया इनका कार्यकाल, अब अगला अध्यक्ष आएगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इन्हीं को दोबारा चुन लिया। अगर ये वापस से चुने जाते हैं तो कब तक रहेंगे? 1940 तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो 1938 से 1939 तक रहे, 1939 से अब 40 तक रहेंगे। इसका विरोध गांधी जी ने कर दिया, बोलने मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष बदला जाए। तो उन्होंने कहा कि भैया सब जन चाहते हैं कि अध्यक्ष कौन रहे, बोस। बोले नहीं, मैं तो चाहता हूं। बोले तुम किसको चाहते हो? बोले मैं पट्टाभि सीतारमैया को चाहता हूं कि ये अध्यक्ष बने। आवाम नहीं चाहती है? बोले नहीं, मैं तो चाहता हूं, चुनाव करवा लो। गांधी जी को अपने आप पर इतना भरोसा कि मैंने कैंडिडेट खड़ा किया तो मैं बापू जी, वोट तो इसको ही मिलेंगे। चुनाव भी हुए, चुनाव में एक तरफ कौन खड़े हुए? बोस, सुभाष चंद्र, और एक तरफ कौन हुए? डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया। हार गए, बोस फिर से जीत गए। तो यही तो बात कह रहे हैं कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पद के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए, जिसमें पट्टाभि सीतारमैया महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे और किससे हार गए थे। बस याद रखना होगा कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा राज्यपाल, बहुत सारे नाम है, पट्टाभि सीतारमैया दे देंगे, के एम चांडी दे देंगे, एन एन वांचू दे देंगे,
कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोगों को, हरि विनायक पाटसकर का नाम दे देंगे, होता है कि नहीं होता है। तो ये पूछ सकता है कि चार दिए गए राज्यपालों में से कौन सा राज्यपाल कांग्रेस अधिवेशन के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस से हारा था, या कौन सा राज्यपाल स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस अधिवेशन के चुनाव में महात्मा गांधी की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया था। तो उत्तर क्या दोगे? पट्टा भी सीतारामैया। तो याद रखिएगा, पट्टा भी सीतारामैया 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कैंडिडेट बनाए गए थे, लेकिन किससे हार गए थे? सुभाष चंद्र बोस से। और ये हमारे बने एमपी के पहले राज्यपाल। बोलो हाँ या ना, आपके पास लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर चार देखो, 1939 में जबलपुर के निकट त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा समर्थन देने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस से हारे, लिखा है ना, सब लिखा हुआ। पॉइंट नंबर चार, तीन या चार लिखा हुआ है। और याद रखिएगा, अब 1940 तक अध्यक्ष कौन रहेगा? बोलो यार भाई, अकेला आदमी कुछ नहीं करेगा, तुम नहीं बोलोगे, सुभाष चंद्र। और याद रखना, सुभाष चंद्र बोस 1940 तक अध्यक्ष रहे ही नहीं, उनको ये बात चुप गई, उनको ये बुरा लग गया कि मैं ऐसे पद पर रहकर क्या करूं जिस पद को लेकर पहले ही खिन्नता हो। पहली बार हुआ था कि अध्यक्ष बनाने के लिए सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, आज तक नहीं हुआ था। सुभाष बोस को क्या लगा, क्या मैं काबिल नहीं, क्या मैं गलत कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं बापूजी का मन मेरे कारण दुखी हो गया हो, एक तो मैंने उनका कैंडिडेट भी हरा दिया, ऐसा तो नहीं किसी बड़े का, बुजुर्ग का अपमान हो गया, या जो भी उनके मन में बात रही हो, या उनको और कोई अच्छा पद मिल रहा हो, जो भी हो, तो उन्होंने ये पद छोड़ दिया, अध्यक्षता की आज, पर 4 महीने 6 महीने अगले 12 महीने तक तो मैं अध्यक्ष हूं, कुछ समय के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया, बोले तुमको जो दिखे बना लो। तो पहली बार बीच में एक अध्यक्ष बनाना पड़ा, तो इनके जाने पर अध्यक्ष कौन बना, ये भी प्रश्न है। जब सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिया, तो कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आज नहीं पढ़ोगे तो भारतीय इतिहास में पढ़ोगे, पर पढ़ना तुमको ही है, पढ़ना तो है, इंडियन हिस्ट्री में आएगा, पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में, कांग्रेस आएगी उसमें पढ़ोगे। अध्यक्ष बना था बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष बने थे। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। आगे बढ़े चलिएगा, और क्या लिखा इनके बारे में महत्वपूर्ण। सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष राज्यपाल यही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले आधिकारिक इतिहासकार थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे, जो कांग्रेस के बारे में लिखते थे, और इनकी लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं। मैं ऐसा चाहूंगा कि इनकी किताबों में से आप एक दो बार इनकी किताबों के नाम देखें, आपको इनकी किताबें रटनी नहीं, किताबें रटनी नहीं, मैं आपको बहुत काम सुविधाजनक कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने दे दिया तो हम सभी कह देंगे, टीचर का काम है छांटबीन करना, जो अच्छा हो वो निकाल कर रखना। तो किताबों को एक एक बार देखें, मैंने आपको क्या कहा फिर से कह रहा हूँ, जितनी याद रह जाए, 5 याद रह जाए 5 सही, 4 रह जाए 4 सही, 6 कर लो 6 सही, परेशान नहीं होना है ज्यादा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, संविधान सभा का नाम सुना? जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उस सभा में लोग आकर बैठते थे, अपना अपना प्रतिनिधित्व देते थे, तो ये जो है ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो प्रश्न अगर कल को आ जाएगा ना कि कौन सा राज्यपाल संविधान सभा का सदस्य रहा है, तो ये रहे पट्टा भी सीतारामैया। तो लिख लो, भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे। बलिराम आर्या आपका सवाल है, यूनिट 10 की क्लास, तो यूनिट 10 की क्लास आज 1 फरवरी है ना, सारी क्लासेस आज से चल रही है, सुबह चल रही है ना क्लास, सारी क्लास, तो यूनिट 10 की क्लास भी आज मिलेगी 1 तारीख में, ठीक है ना। यूनिट 10 की क्लास भी आप लोगों को आज मिलेगी, यूनिट 10 मतलब जनजाति, ठीक है। आप लोगों को यूनिट 10 जो है ना, वो इनको बात कर रहा हूं, ऑनलाइन वालों को एप्लीकेशन पर आज से मिल जाएगी, ठीक है चलेगा। दूसरा राज्यपाल देखो, दूसरा राज्यपाल कौन है? हरि विनायक पाटसकर। दूसरा राज्यपाल कौन है भैया? हरि विनायक पाटसकर, हरि विनायक पाटसकर। सबसे पहले काम करो, हरि विनायक पाटसकर का टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड देखो जरा, 14 जून 1957 से 10 फरवरी 1965 57 58 59 60 61 62 63 64 65, लगभग लगभग 8 साल, लगभग लगभग कितने साल, 8 साल
हालांकि छठे महीने से जून से ज्वाइन किया था, फरवरी में छूटे, मतलब 8 साल पूर्ण होने से 4 महीने पहले, तो लगभग लगभग 8 साल, 7 साल, 7 साल 8 महीने लगभग मान लेते हैं, ये भारत सॉरी एमपी में सबसे लंबे कार्यकाल का राज्यपाल है, शायद लिखा भी होगा तो ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबसे लंबे अवधि के, देखो 7 साल 7 माह कुछ तारीख के साथ, तो आपको 2-3 पॉइंट देखना है। सबसे पहला कि नाम है हरि विनायक पाटस्कर, सबसे लंबे कार्यकाल के राज्यपाल, देखो पहला राज्यपाल सबसे कम कार्यकाल का, दूसरा राज्यपाल उससे सबसे ज्यादा कार्यकाल का, यहां तक क्लियर हुआ, हरि विनायक पाटस्कर, क्या नाम है, हरि विनायक पाटस्कर। इधर देखो अब ये कहां से थे, तो देखो पहला राज्यपाल कहां से था, तो पहला राज्यपाल था आंध्रा से, आंध्रा से ऊपर उठो तो कौन सा आया, महाराष्ट्र, तो दूसरा राज्यपाल कहां से, हरि विनायक पाटस्कर कहां से थे, महाराष्ट्र से। एक एक चीज दिमाग में थोड़ा सा रखना है, पहला राज्यपाल कहां से था, और ऊपर आओ कहां से था, महाराष्ट्र से, जो आंध्र प्रदेश का था वो सबसे कम कार्यकाल का, जो महाराष्ट्र का था वो सबसे ज्यादा कार्यकाल का, आंध्र प्रदेश वाले पट्टा भी सीतारामैया भी संविधान सभा के सदस्य थे, महाराष्ट्र वाले भी हरि विनायक पाटस्कर भी संविधान सभा के सदस्य थे, उसमें लिखा हुआ है, देख लो अंडरलाइन कर लो कि ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, लिखा आप लोगों ने, संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है ना। असम पर्वतीय सीमा आयोग के भी ये क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं, सभापति रहे हैं, ठीक है ना। नीचे से तीसरा पॉइंट देखो, केंद्रीय विधि मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल पास करवाया, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो पेज, आपको जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा लिखने का काम आसान हो जाए, हमारा टाइम की बचत हो जाए, इस कारण से हमने ऑफलाइन के जितने विद्यार्थी उनको नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, और जो हमारे एप्लीकेशन के विद्यार्थी है इन सबको हमने यही सेम नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में दे दिए हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। अब इससे क्या होगा, यूट्यूब वाले बच्चे थोड़े से विचलित हो रहे होंगे कि सर वो आपने लिखा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो यही होगा कि हमारा थोड़ा सा टाइम बचा, वरना लिखवाना पड़ता। नेक्स्ट पर देखिएगा, 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है ना, 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लिखा नीचे से दूसरा पॉइंट देखो कि मंडलोई सरकार के समय, अब वो मंडलोई लिखा है ना, आपको समझ नहीं आ रहा कौन है, भगवंत राव मंडलोई 1963 में, 1963 में सीएम बने थे। भगवंत राव मंडलोई पूरा नाम है, खंडवा के रहने वाले हैं, निमाड़ के व्यक्ति थे। भगवंत राव मंडलोई मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बना रविशंकर शुक्ल, उसके बाद में बना आपका भगवंत राव मंडलोई कार्यवाहक, फिर बना कैलाश नाथ काटजू, और उसके बाद में भगवंत राव मंडलोई। तो भगवंत राव मंडलोई जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में राज्यपाल थे और भू राजस्व वसूली के अध्यादेश को लौटा दिया था। राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्राप्त होती है, जिन शक्तियों को मैंने उल्लेख करवाया है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया है कि राज्यपाल, फॉर एग्जाम्पल मैं राज्यपाल हूं और आप जितने भी लोग देख रहे हैं बैठे हुए हैं सब विधायक हो, खुश हो जाओ, बिना मतलब तुमको विधायक बना दिया है, बिना गाली के, बिना चुनाव के, बिना खर्चे पानी के, महिला विधायक, देखो पढ़ी लिखी होगी वो वाली विधायक, पढ़ी लिखी विधायक हो ना, बनना है विधायक, असल में बताओ बनना है विधायक नहीं बनना है, सच बताओ ना, तो तुम्हें बनने का मौका मिले तो तुम कभी नहीं छोड़ोगे, ये आदमी की फितरत, तुम्हें बनना है विधायक है, सीधी बात है, बनना है, खूब पैसा छापो उसमें, खूब नेतागिरी झाड़ो उसमें, 2-4 गनमैन पीछे लेके चलो, नेताजी नेताजी हो, ऐसे करके मजा आते हैं। राज्यपाल मैं हूं पर वाट लगा डालूंगा ज्यादा उचके, तो मैं राज्यपाल हूँ, मैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है ना, मेरे पास एक राइट से, आप सब विधायकों ने एक अध्यादेश लेके आया, अध्यादेश जो होता है ना, हाँ वो एक कानून की तरह, तो मुझसे कहा कि राज्यपाल महोदय ये देखो हमने चाहते हैं कि ऐसा ऐसा करें, हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया, बस आप साइन कर दो, तो कोई भी कानून जो होता है ना देश में बिना राष्ट्रपति के और राज्य में बिना राज्यपाल की साइन के नहीं बनेगा कानून, कानून बनाना है तो है ये दो, क्योंकि संवैधानिक व्यक्ति है ना, राज्य का मुखिया है, इसकी साइन के बिना कैसे कर लोगे, तुम कितने कलेक्टर बन जाओ पर तुम्हारे घर में पत्रिका आएगी और तुम बैठे हो, तुम्हारे पिताजी बैठे हो, नाम तो तुम्हारे पिताजी का लिखाएगा पत्रिका में, तो राज्यपाल को यह पावर है कि वो पढ़ेगा और कहेगा यार ठीक है,
तो साइन कर देगा, खेल खत्म, या उसे लगता है कि नहीं मैं इसे सहमत नहीं हूं, मैं इसको कानून में नहीं बनाना चाहता, तो कहते हैं वापस ले जाओ। तो इसको कहते हैं लौटा देना, इसको कहते हैं पावर, वीटो पावर, है ना। पर तुम्हारे पास भी बहुत पावर है, तुम अगर उसको वापस ले आओ, एक बार फिर से ले आओ, बोले ना हम सब तैयार, तुमको करना पड़ेगा। फिर मेरे पास दो चीज है, फिर मुझे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, या फिर मैं राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी कौन है सबसे बड़ा, अब उससे बड़ा तो कोई हो सकता है क्या? तो फिर वो पास हो जाए, अरे हाँ या ना। तो आपसे पूछा जाएगा भगवंत राम मंडलोई की सरकार के समय या किसी के समय भू राजस्व वसूली अध्यादेश को लौटाने वाला राज्यपाल कौन था? अरे बोलो, हरि विनायक पाटसकर। तो देखो दो तीन राज्यपालों की बात मैं करता हूं, दो राज्यपालों की। हरि विनायक पाटसकर पैसे से वकील थे, ये बंबई हाईकोर्ट में, बंबई हाईकोर्ट में जज थे और भारत के सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, ये लिख लेना कहीं भी ना लिखा हो, ये बंबई हाईकोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, केवल जस्टिस थे, बंबई हाईकोर्ट के जज थे और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, वकील थे, पैसे से क्या थे, वकील। ज्यादातर नेता देखोगे ना वो वकील निकलेंगे, आप देखना पुराने फिल्मों को भी देखो, वास्तव में नेतागिरी देखो, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू वकील, ये वकील, आगे और वकील आएंगे, कैलाशनाथ काटजू वकील, ज्यादातर लोग वकील हुआ करते थे। और आजकल के क्या होते हैं, नेता लोग ज्यादातर, किसके कितने खौफ है, किसके कितने डंफर चल रहे हैं, कौन कितनी जल्दी उठवा सकता है, कौन किसको कब मरवा दे, किसका कितना पैसा है, ये चल रहा है। पहले के और अच्छे थे, ठीक ठाक थे, समझ में आया? तो बताओ प्रदेश का पहला राज्यपाल पट्टा सिद्धरमैया का राज्य बताओ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की भाषा, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953, किस भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। पट्टा सिद्धरमैया संविधान सभा के सदस्य थे क्या, ये कौन सा चुनाव हारे थे, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी आज की तारीख में क्या कहलाता है, जबलपुर कहलाता है, किससे हारे थे, सुभाष चंद्र बोस से। ये किसके कैंडिडेट थे, महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, ठीक है। ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहे ना राज्यपाल, सबसे कम रहे क्या, टाइम पीरियड याद है, देखो शुरुआत तो याद होगी क्योंकि जब ये राज्य बना वो तारीख तो याद होगी, राज्य कब बना, 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957, बोलो हाँ या ना। इसके बाद में कौन आए, हरि विनायक पाटसकर, कहाँ के थे, महाराष्ट्र के, कहाँ के थे, महाराष्ट्र। सबसे कम कार्यकाल था इनका, सबसे ज्यादा कार्यकाल था इनका, वो 13 जून तक रहे तो ये 14 जून से शुरू हो जाएंगे, 14 जून से शुरू हुए जब तक कहां तक गए, फरवरी 1965 तक, 7 साल 7 महीने। क्या इन्होंने कोई अध्यादेश भू राजस्व का अध्यादेश लुटा दिया था, इसके समय पर मुख्यमंत्री कौन था, भगवंत राम मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू भी थे, भगवंत राम मंडलोई भी थे इसके समय पर, दोनों थे। तो बताओ मुझे, हरि विनायक पाटसकर, क्या नाम था इनका, हरि विनायक पाटसकर, कहां के थे ये, महाराष्ट्र के थे, कहां के थे, महाराष्ट्र के थे, पैसे से क्या थे, वकील, बंबई की हाईकोर्ट में क्या थे, वकील थे कि जज, जज, और भारत की सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, भारत की सुप्रीम कोर्ट में क्या थे, वकील थे। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को, अरे बोलो। प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरला अग्रवाल, कौन थी, सरला अग्रवाल थी। दूसरी महिला राज्यपाल, आनंदीबेन पटेल। पहला कार्यवाहक राज्यपाल, पहला अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल, ओपी कोहली। पहला मुस्लिम राज्यपाल, कुंवर महमूद अली, कहां के थे, मेरठ के थे। वर्तमान राज्यपाल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, कौन से राज्य से है, गुजरात से है, कहां से है, गुजरात। ओपी कोहली किस राज्य से थे, कहां से थे, दिल्ली से, कहां से थे ओपी कोहली, दिल्ली से, बोलो हाँ या ना। ओम प्रकाश कोहली ने हमें अतिरिक्त प्रभार दिया था जबकि वो मुख्य रूप से कहां के थे, गुजरात के राज्यपाल थे ना उस समय पर, कहां के थे राज्यपाल, गुजरात के। अपने पद पर रहते मरने वाला पहला व्यक्ति, राम प्रकाश गुप्त, गुप्त हो गया वो भी क्या, प्रकाश, अंधेरा छा गया, मरने के बाद अंधेरा ही है, इसलिए पढ़ लो, मरने के बाद क्या है, क्या हो, क्या हो जाए, है कि नहीं है। ऑनलाइन वालों पढ़ते रहो, खाओ पियो ऐश करो, अच्छे से पढ़ो, कल बाप ये जो दिया है इतना पढ़ के आना। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को एप्लीकेशन पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी तुरंत,
तुरंत मिल जाएगी, आप उसको रीड करना, कल वही चीज पढ़ाएंगे। हाँ, ये जो भी मैंने इधर किया है, कलाकारी, पांडुलिपि, जो भी लिखी चित्रकारी, ये भी मिलेगा, और साथ में आपको जो नोट्स इनको मिले हैं वो भी मिलेंगे। आपसे निवेदन रहेगा ये नोट्स को संभाल के फाइल में रखें, इसको इधर उधर ना फेंके, ठीक है ना। कल मिले 10 से 11 यूनिट नंबर और 11 से 12 यूनिट नंबर, दोनों समझ में आई थोड़ी थोड़ी? ओके, थैंक यू सो मच।